आपको सर्विसेज मिली है कि नहीं मिली? नहीं मिला है। और इस सिस्टम को लगाने से कुछ फायदा है कि नहीं है आपको? एकदम है, सिस्टम से लगा है तभी ये जो है ग्रोथ दिखाई दे रहा है। कंपनी का इसमें सपोर्ट आपको कितना परसेंट मिलता है? कंपनी का सपोर्ट तो 200% है। Okay, मतलब आप इस तरह से पूरे से, आपको क्या लगता है कि इस तरह से जो ग्रोथ है जो मैं देख पा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 70% प्लांट्स इसमें जो है, ऑलमोस्ट 70% जो प्लांट्स है 15 फीट का है, कुछ 12 फीट का है, एवरेज देखा जाए तो 13-14 का आ जाता है। आपको क्या लगता है कि कंपनी जो दावा कर रही है कि 10 साल में ये हार्वेस्ट कर दिया जाएगा, डेट मीन्स की काट दिया जाएगा, आप इसमें कितना सेटिस्फाइड है कि आपके अनुसार एज ए फार्मर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए? एक्सपीरियंस तो यही है कि हमको 9 साल में इसको कटवा लेना है। मतलब आपको ये विश्वास है कि 9 साल में जितना कंपनी कहती है कि 3 फीट की गुलाई हो जाएगी और 45-50 फीट की हाइट हो जाएगा, जिससे हम 12 क्यूबिक फीट लकड़ी कम से कम निकालते हैं, आज इसको आज के डेट में हम 2500 रुपया पर क्यूबिक फीट के हिसाब से लगा रहे हैं, वो चीजें कंप्लीट आप 9 साल में पूरा कर लेंगे? एकदम कर लेंगे। इसमें है कि थोड़ा सा जो है फार्मर को इसमें मेहनत करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम जो है इसका केयर करना पड़ेगा, पानी वगैरह जो भी है, और उसके बाद जो आप कंपनी की तरफ से टाइम टू टाइम सजेस्ट करते रहते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको सबसे इसमें अट्रैक्टिव चीज क्या लगा इस कंपनी के साथ जुड़ने में कि हाँ, क्या आपको प्लांट अच्छे लगे कि इनकी सर्विसेज अच्छी लगी, या जो आकर के आपको टेक्निकल सपोर्ट दिया है तो या सारा अच्छा लगा? प्लांट तो अच्छा है ही, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो टाइम टू टाइम जो कंपनी की तरफ से ये टेक्निकल सुझाव दिया जाता है, यह जो है सबसे अच्छा चीज है। और आप अपने जैसे भाइयों के लिए जो देश के फार्मर्स हैं उसके लिए कुछ एडवाइस करना चाहेंगे कि कमर्शियल खेती की तरफ थोड़ा मूव होना चाहिए कि नहीं, ट्रेडिशनल खेती को छोड़ करके? मूव तो होना ही चाहिए, इसलिए कि मुझे लगता है कि मतलब कमर्शियल रूप में इससे जितना पैसे की अर्निंग हो जाएगी उससे हम लोग गेहूँ और धान की करके सप्लाई करके नहीं कर सकते। ये हमारे अमित पांडे जी जो कि रिवॉल्विंग अर्थ एग्रो के सीईओ हैं, ऑल ओवर इंडिया हेड करते हैं सारा चीज के, मैं जानना चाहूंगा कि आपको कुछ इनसे पूछना है, कुछ ऐसा कंफ्यूजन है एज इस प्रोजेक्ट को लेकर के तो आप? कंफ्यूजन तो हमको अभी तक कोई नहीं है, अगर होगा पूरी तरह से आपको रिप्लेसमेंट जो है पूरा, जैसे कंपनी दावा करती है रिप्लेसमेंट जो होता है समय समय पे जो डैमेजेस होंगे आपके, कितने प्लांट लगे हुए आपके यहाँ? प्लांट तो 5000 है। 5000 प्लांट लगे हुए, तो रिप्लेसमेंट और सर्विस जो है रिप्लेसमेंट आपको मिले हुए हैं? जितने डैमेज हुए थे कितने डैमेज हुए थे आपके? डैमेज लगभग 1000 के आसपास। 1000 के लगभग हुए थे आपके, तो रिप्लेसमेंट आपके पूरे मिल चुके हैं आपको? हाँ, रिप्लेसमेंट तो मिल चुका है। सर्विसेज कितने कितने दिन पे मिल जाती है आपको? विजिट वगैरह कंपनी से जो है मिलती है जो? विजिट तो ऐसे है कंपनी की तरफ से 6 महीना है टाइमिंग, लेकिन हमको जब भी जरूरत पड़ता है तो वो सर्विसेज मिल जाती है आके, सुझाव जो भी है। आपका जो है सब कुछ जो है ठीक लगा जो है हमारी तरफ से, जो है आपकी कामना है कि जल्दी से जल्दी आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, और जो है हम ये चाहते हैं कि आपके जो साथी हैं किसान हैं भाई हैं उनको भी जो है आप जो है सजेस्ट कीजिए कि जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट है, बीच में आप जो है खेती कर सकते हैं, सब्जियां किसी कोई भी चरे तरह की लगाइए आप, जो है फूल पौधे हो गए वो लगाइए आप, और ये सारी चीजें हैं उससे आप जो है इसका खर्चा जो है निकाल सकते हैं, और लाइन का जो आपका जो है धान गेहूं से जो निकलता आउटपुट सब्जियां लगाने के बाद वो आउटपुट जो है आपको हर साल जो है उस खेती से निकल जाएगा, और ये आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट है, 10 साल में इसको हार्वेस्ट होना है वो जो है, प्लस जो लैंड का जो भाव आपका बढ़ रहा है वो तो बढ़ ही रहा है आपका, तो जो है ये 5 साल में जो है आपको 10 साल में जो है 5000 पौधे लगभग लगभग जो है 20,000-25,000 रुपया पर पौधे के हिसाब से दे देंगे, तो इसका कुछ जो विचार किया आपने जो है जो आउटपुट आना है आपको? विचार करना है और तो जब आएगा तब देखा जाएगा। और फ्यूचर में भी जैसे आपने जो है लगाने की बात की थी, आपने बोला हुआ था कि जो है अगर हमारा ग्रोथ जो है 12 फीट मिल जाता है सेटिस्फैक्ट्री, जो और लोग क्लेम नहीं कर रहे थे, जैसे आपने फॉरेस्टिंग इंक्वायरी किया था और कंपनियों में किया हुआ था, तो रिवॉल्विंग अर्थ एग्रो झूठ बोल रहे कि ऐसा हो नहीं सकता है जो है 12 फीट 15 फीट जो है साल में आपको ग्रोथ मिले, तो जो है वो चीज तो जो है आपके सामने है आज, तो जो है नेक्स्ट ईयर जो आपने बोला हुआ था कि कितने का प्रोजेक्ट आपको करना है कंपनी से, उसके बाद कम से कम और 10,000 प्लांट का? जी बिल्कुल, जो है आपको मुबारक हो साहब,
ठीक है राजेश जी, वी सी ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।